क्या कर रही हो नंदनी? स्कूल का वर्क। कौन सा सब्जेक्ट है? साइंस। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और बहुत अच्छा मौसम है आज। अब बारिश भी हो रही है, दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, बारिश की बूंदें आपको दिख रही हैं। और आज पता नहीं क्यों बारिश अचानक से होने लगी। मौसम तो काफ़ी अच्छा है, ऐसे ही मौसम रहे तो अच्छा लगता है। और हमारी नंदनी मैडम वहाँ पढ़ाई कर रही हैं। एक्चुअली इनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही था, तो वही मोबाइल से देख के काम करी। इसकी स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए इसको देखना पड़ता है कि कहीं कुछ गलत ना कर दें। तो इस वजह से इसका काम अभी ना 12 बजे तक चलने वाला है। तो मैं अभी कुछ ना कुछ आता रहेगा, तो हिंदी का हो गया, अभी हिंदी में आ चुका है, हिंदी का आ गया है, अभी इंग्लिश का और SST का, ये 2-3 सब्जेक्ट बचे हुए हैं उनका नहीं आया है। तो हिंदी में ड्राइंग बनाने के लिए दिया गया है, तो अभी वो ड्राइंग बनाएंगी मैडम। तो ये सब चल रहा है। और ना आज कुछ भी नाश्ता वास्ता नहीं बनाया, हल्का फुल्का चाय पानी यही सब हुआ था और कुछ नहीं। बस खाना बन चुका है और पापा जी पूजा कर रहे हैं, तो फटाफट से अब रोटी बनाना है। तो मैं जा रही हूँ रोटी बनाने। और ये पीला पीला आपको दिख रहा है, ये हमने आज कृष्ण जी को चंदन लगाया था, क्योंकि आज थर्सडे है, तो फिर थर्सडे को मैं उनको पीला चंदन ज़रूर लगाती हूँ और पीले कपड़े भी पहनाती हूँ। अभी मैं दिखाऊँगी आपको, एक फ़ोटो डाल दूँगी, आप देख लेना हमारे कृष्ण जी को। तो चलते हैं फ्रेंड्स, नंदनी का वर्क कंप्लीट हो गया, उसको भेजना है, मैं उसको भेज देती हूँ फटाफट से। हमने अपना सारा काम कर लिया है, झाड़ू लगाना था, थोड़ा सा झाड़ू लगा लिया है। और अभी बज रहे हैं 3 PM, तो मैंने फेस वॉश भी अच्छे से कर लिया है, क्योंकि और ना आज मैं कुछ बना रही हूँ, तो बना के आ रही हूँ मैं केक बना रही हूँ, क्योंकि नंदनी का बहुत दिन से मन था केक खाने का, तो उसने बोला कि दीदी केक बनाओ ना। मैंने कहा चलो अभी खाली बैठे हैं तो बना लेते हैं, तो मैंने पहले ही रख दिया था उसको, अभी वो पकने वाला होगा अच्छा खासा, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी थोड़ा 10 मिनट के लिए और रखा है, तो अच्छे से पक जाए, उसके बाद फिर उसको निकालेंगे। और भाई का भी मन था खाने का, तो मैंने अच्छे से फेस वॉश वॉश कर लिया है। और अभी ना आज मैंने पोनीटेल बनाया है। आज मैं सोच रही हूँ कृष्ण जी के कपड़े मेरे जो अभी गर्मी वाले हैं ना, तो उसको मैं एक अच्छे से, जो मैं एक में बाकेट लेके आई थी, तो मैंने सोचा कि उसमें रख देती हूँ। उसमें मैंने कपड़े रखे हैं, कुछ उनके हैंकी है, उनके थोड़े बहुत और सामान है, तो वो रखा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ किसी उसी में रख देती हूँ, और फिर ताकि मुझे ढूंढने में दिक्कत ना हो। और जो ठंडी वाले कपड़े हैं उनके, तो वो मैंने रख दिए हैं अच्छी तरीके से सेव करके, बस मुझे अभी गर्मी वाले रखना है। तो उसको बाहर निकालना है, मतलब एक दो कपड़े जो इधर उधर अंदर रखे हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ उसको भी निकाल देती हूँ। तो मैं फटाफट से चलती हूँ काम करने, और बहुत फिर मैं आपको केक दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है हमारी कृष्ण जी की बाकेट, जो कि मैंने आपको दिखाई थी बहुत पहले ही। तो ये बाकेट तो काफ़ी अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई थी, तो मैंने इसको ले ली थी। और अचानक से हम लोग उस मॉल में गए थे और कंफर्म नहीं था कि वहाँ पे मिल जाएगी, तो सबसे पहले ये हमारे पास हैंकी है। इस हैंकी से हम पहले बाकेट को अच्छी तरीके से, बाकेट के नीचे जो है अच्छी तरीके से इसको हम लगा देंगे यहाँ पे इस तरीके से, जिससे कि जो भी कपड़े हों इसके ऊपर रखेंगे तो नीचे गंदा नहीं होगा। और तो मैं ना इसमें भगवान जी के जो ठंड वाले कपड़े थे ना, उसको रख रही हूँ, और ऊपर से मैं जो गर्मी वाले कपड़े हैं उसको रख दूँगी। तो ये मैंने बनाया था अपने हाथों से, मैंने आपको बताया था ना, मैंने एक बार दिखाया है आपको कि मैंने कृष्ण जी के लिए क्या क्या बनाया, और ये सब हमने अपने हाथों से बनाया है। तो मैं फटाफट से इन सबको रख देती हूँ। और ये कृष्ण जी के सारे सामान, ये सब मैं अभी यूज़ नहीं करती हूँ उनके लिए, मैंने अभी पतले पतले गले के रखे हैं, तो मैं उसको पहनाती हूँ, इसको मैं अभी नहीं पहनाती हूँ, क्योंकि ये बहुत हैवी है ना, तो और अभी गर्म भी होने लगी है।
दो नए लेके आए थे, और ठंड के कपड़े ना कुछ मैंने रख दिए हैं पहले, ये सब भर रह गए थे, तो मैंने सोचा कि इसको अब बाद में रखूंगी। कुछ ये कृष्ण जी के अंडरवियर जो कि दीदी ने बनाए थे। ये बड़े वाले कृष्ण जी के लिए जैकेट और पिजामी दीदी ने बनाए थे। मैं वापस से दिखा दे रही हूँ आपको, जिन लोगों ने नहीं देखा है मैं उन सबको दिखा रही हूँ। तो मैं इसको रखूँगी और एक साइड में मैं गर्मी के रख दूँगी, एक साइड में ठंड के रख दूँगी, तो सही रहेगा। और ये मैं लेके आई थी, ये बहुत पुराना हो गया है तो मैं इसको अब नहीं पहनाती हूँ कृष्ण जी को, तो अभी ना इन सब कपड़ों को मैं अच्छे से रख दूँगी। तो मैं इसको रख देती हूँ इस साइड में। और ये उनके पिलो हैं जो कि अभी मैं एक दो पिलो मैं यूज़ करती हूँ। और उनके लिए मैंने इतनी सारी टोपीज़ बनाई थी, टोपी और भी हैं, मैं लेके भी आई थी मार्केट से, तो वो कहीं रखी हुई है, तो मैं इन सबको ना साइड में रख देती हूँ। लॉकडाउन खुलेगा ना तो एक और बास्केट ले आऊँगी, तो उसमें मैं जो भी ठंडी के अलग और गर्मी के अलग रखूँगी। तो कृष्ण जी के ठंडी के कपड़े ना थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, तो इस वजह से थोड़े कपड़े इसमें रख दे रही हूँ मैं, नहीं तो मैं इसमें केवल गर्मी का ही रखने वाली थी, सोचा यही था मैंने। और ये दीदी ने स्पेशली बनाए थे कृष्ण जी के लिए, जिससे कि मैं इनको उड़ा देती थी तो ठंड में इनको ठंडी नहीं लगती थी। और कृष्ण जी के जो डेली यूज़ के कपड़े हैं ना वो मैं मंदिर में ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे उसको पहनाना पड़ता है, तो मैं उसको बार बार नहीं निकालती हूँ इसमें, इसलिए मैं इसको रख दे रही हूँ, क्योंकि मैं इसका यूज़ नहीं करती हूँ अभी, कुछ कुछ कपड़े ही यूज़ करती हूँ, तो कभी कभी जब यूज़ करना होगा, जब वो कपड़े गीले उले रहेंगे तो फिर मैं उसको निकालूंगी। और ये हैंकी मैं डेली यूज़ करती हूँ कृष्ण जी को, जैसे उनको नहलाने के बाद पोछना हुआ या फिर कुछ और काम हुआ कुछ, तो ये कॉटन है, कॉटन का रहता है तो सही रहता है, तो मैं इसको ऊपर ही रख रही हूँ जिससे कि मैं बाद में निकाल सकूँ। और ये अंडरवियर भी मैं ऊपर रखूँगी जिससे कि मैं बाद में निकाल सकूँ। और ये हैंकिना भी एकदम नई है, मैंने इसको यूज़ भी नहीं किया है, तो जब कभी कुछ जैसे त्यौहार होगा या फिर कुछ होगा तो फिर मैं उसमें कृष्ण जी के लिए निकालूँगी। तो इसको मैं अभी रख देती हूँ यहाँ पे, अभी तो फिलहाल इसको मैं ऊपर रख दे रही हूँ, फिर मैं अभी इसको अपने अलमारी में रख दूँगी। और इसको मैं कहीं और रखने जा रही हूँ, इसमें जगह नहीं है तो इसमें मैं नहीं रखूँगी। और ये कृष्ण जी के लिए मैंने एक लिया था, ये बहुत पुराना हो गया है लेकिन अभी भी वैसा ही है, तो कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ जब एक कृष्ण जी को बैठाना होता है। तो अभी दोनों कृष्ण जी के लिए मैं बड़ा सा बना रखी हूँ, तो वो मैं मंदिर में दिखाऊँगी आपको, अगर कभी लेके चलूँगी आपको तो दिखाऊँगी। तो वहाँ पर मैंने एक बड़ा सा, इतना बड़ा सा फॉर्म टाइप का, उसमें अच्छे से रेड कपड़े से बना रखा है और साइड साइड में मैंने उसमें लटकन लगा दिया है, तो अच्छा लग रहा है। तो मैं उस पर बैठाती हूँ कृष्ण जी को, इस पर नहीं बैठाती हूँ, ये तो मैंने जब छोटे वाले कृष्ण जी थे, पहले वाले कृष्ण जी, तो मैं उनके लिए लेके आई थी। जो हमारे छोटे वाले कृष्ण जी वो मेरे सबसे पहले कृष्ण जी हैं, तो मैं इसको रख देती हूँ अभी। और मेरा केक बन के तैयार हो गया है, तो मैं आपको चल के दिखाती हूँ ये हमारे कृष्ण जी का। और ये छोटे वाले कृष्ण जी के अंडर बियर रह गई, मैं इसको भी रख देती हूँ। सो फ्रेंड्स, केक हमारा बनके तैयार हो गया और मैंने इसको निकाल लिया है, अभी इसको काटते हैं फटाफट से और फिर खाते हैं, कैसा बना है देखते हैं, टेस्ट करके अच्छा बना है कि नहीं, पता नहीं कैसा बना होगा, वैसे अच्छा ही बना होगा, कोशिश तो मैंने पूरी की थी अच्छा बनाने की, लेकिन आज थोड़ा सा ना मैं इधर उधर हो गई थी तो इसलिए उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया होगा, क्योंकि मेरा मन नहीं था बनाने का, मैंने ज़बरदस्ती बनाया इन लोग की वजह से। नंदनी को केक बहुत मन था खाने का, है नंदनी, तो नंदनी का बहुत मन था, तो वो अचानक से तैयारी हो गई, मैंने इसको रखा भी नहीं 10 मिनट के लिए भी, बस फटाफट डाल दिया, तो थोड़ा सा कम फूला है, ऐसे थोड़ा बहुत फूल गया है। सो फ्रेंड्स, केक काफ़ी अच्छा बना है, इसको हम कट कर दिए हैं और ये आपके लिए। तो अभी ना
इस वीडियो को यहीं पे कर रहे हैं एंड फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू। और यहाँ पे हम सब लोग को केक दे देते हैं।